हरे कृष्णा, मैं भक्तिन सुरवी। तो आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे वंशी भट्ट की। तो ये वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव जी के निकट और श्री यमुना जी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही पावन स्थान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के रात्रि में एक विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठकर वंशी ध्वनि की थी। तो वंशी ध्वनि करने के बाद जितने भी गोपियाँ थी सहित श्रीमती राधा रानी सब लोग भाग के कृष्ण के पास आए। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते हुए एक आंख में काजल लगाया, एक में नहीं लगाया और वैसे ही भाग के आ गई बंसी ध्वनि सुन के। एक अपने पति का सेवा कर रही थी, उसको खाना परोस रही थी, तो हाफ परोसते परोसते आधी सेवा करते करते वहां से भाग के आ गई बंसी ध्वनि सुन के। और एक गोपी अपने बच्चे को अकेले घर में छोड़ के आ गई। तो उनको देख के भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि इतनी रात को तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? तो उन गोपियों ने बोला कि आपने हमारे नाम का बांसुरी बजाया, इसलिए हम सब आपके पास आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि इतनी रात को यहाँ पे मेरे पास आना ठीक नहीं है। तुम्हारे पति, तुम्हारे परिवार अगर तुम लोगों को घर में नहीं देखेंगे तो वो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए तुम लोग लौट के जाओ। तो एक गोपी ने बोला कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ प्रभु, कि एक बार क्या हुआ था, एक ये गोपी बोल रही थी कि एक पति अपने पत्नी को छोड़ के बाहर काम के लिए जा रहे थे कुछ साल के लिए। तो उसकी पत्नी ने पति से बोला कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो उसके पति ने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे जैसा दिखने वाला एक तुम मेरा ही मूर्ति बनाओ, उसका तुम सेवा पूजा करो जब तक मैं नहीं रहता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा तो तुम मेरा सेवा पूजा मेरे साथ रहना। तो उस लड़की ने उसका सेवा पूजा किया दो तीन सालों तक, एक दो सालों तक। फिर उसके पति एक दिन लौट के आया और तब वो लड़की सेवा पूजा कर रही थी उस नकल मूर्ति का, और तब उसके पति आए, असली पति, और वो दरवाजे पे खटखटा रहे थे, नॉक कर रहे थे। तो उस गोपी ने भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण से पूछा कि आप बताइए प्रभु कि उस लड़की को अभी क्या करना चाहिए, उसके नकल पति का सेवा करते रहना चाहिए या फिर उसके पति के लिए भाग के जाना चाहिए और दरवाज़ा खोलना चाहिए? तो ठीक वैसे हमारे जगत के जितने भी रिश्ते हैं सब टेम्पररी है, सब कुछ क्षण के लिए, हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं। असली रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से है और इस जगत में एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और हम सब उनके दास हैं। इसलिए इस जगत को त्याग करके हम सब आपके पास आए हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको रासलीला में प्रवेश करने का अनुमति दिया। तो ठीक वैसे ही आज भी अगर आप लोग वृंदावन में जाओगे वहाँ पे देखोगे कि वंशी भट्ट में लोग बांसुरी खरीद के भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते। क्या पता वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके लिए बांसुरी बजाएंगे और फिर वो लोग भी भाग के आएंगे। ठीक उसी तरह हम सब भी जाएंगे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि किसी दिन, किसी एक दिन वो हमारे लिए भी बांसुरी बजाए और हम सब उनके पास दौड़ के आ जाए। हरे कृष्णा।